दोस्तों 2 घंटे व्हाट्सअप डाउन था और फाइनली एक लंबे आउटेज के बाद अब व्हाट्सअप की सर्विसेज अप हो चुकी हैं। सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया टेक ब्यूरो। सो गाइस, व्हाट्सअप की सर्विसेज करीब करीब 2 घंटे यहां पे डाउन हुई थी। अब देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। अब आप देखोगे तो पहले भी ऐसा हुआ है। अब पिछले साल ही अक्टूबर में यानी कि अक्टूबर 2021 में भी व्हाट्सअप की सर्विसेज डाउन हुई थी और वो टाइम पे करीब करीब ये सर्विसेज 5 से 6 घंटे तक डाउन थी। अब देखिए, सिर्फ इंडिया में ही आज व्हाट्सअप डाउन नहीं हुआ है, और भी कई कंट्रीज हैं, वहाँ के भी यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि वहाँ भी व्हाट्सअप सही तरीके से चल नहीं रहा था। अब इसमें US है, साउथ अफ्रीका है, फिर आप देखोगे तो बांग्लादेश है, और भी कई कंट्रीज हैं, वहाँ के भी यूजर्स ने कंप्लेन किया है। अब आप देखोगे ना तो पिछले साल व्हाट्सअप जब डाउन हुआ था तब व्हाट्सअप के साथ साथ इंस्टाग्राम फिर फेसबुक वगैरह भी डाउन हुए थे, बट इस बार मेनली बताया जा रहा है कि सिर्फ व्हाट्सअप की ही सर्विसेज डाउन हुई थी। और मैंने भी चेक किया तो मुझे भी यही लगा कि यार सिर्फ व्हाट्सअप डाउन है और बाकी सर्विसेज चल रही हैं। अब हो सकता है कि कहीं कहीं पे ये सर्विसेज भी डाउन रही हों, बट इस पर अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। वैसे आप मुझे बताइएगा, क्या आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रॉपर चल रहा था? अगर नहीं चल रहा था तो आप नीचे बताइएगा, जिससे हमको भी पता चले कि भाई कहीं कहीं पे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी लेके प्रॉब्लम आई थी। अब एक डाउन डिटेक्टर वेबसाइट है जो कि इंटरनेट आउटेज को ट्रैक करती है। उनके हिसाब से यूजर्स ने करीब करीब 12:07 से रिपोर्ट करना चालू कर दिया था कि भाई व्हाट्सअप सही तरीके से नहीं चल रहा है या फिर व्हाट्सअप बिल्कुल बंद हो चुका है। और आप देखोगे ना तो व्हाट्सअप ने भी एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई, हमें पता चल गया है कि लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लोगों का व्हाट्सअप सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही हम सर्विसेज को रिस्टोर कर लेंगे, यानी कि हम लोग सर्विसेज को वापस से जल्दी ही चालू कर देंगे। अब देखिए, करीब करीब 2 घंटे के बाद अब व्हाट्सअप चालू हो गया है, बट यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है कि क्यों यह आउटेज हुआ था, क्या रीजन है इसके पीछे, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। ना तो ये व्हाट्सअप की तरफ से इस पर कुछ स्टेटमेंट आई है, ना तो व्हाट्सअप की पैरेंट कंपनी मेटा की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट आई है। अब आप देखोगे तो आने वाले 1-2 दिन में या फिर आज ही ये लोग कोई छोटा मोटा एक रीजन दे देंगे कि भाई इसकी वजह से ये हुआ था, बट एग्जैक्ट रीजन बहुत कम केसेस में हमको पता चलता है। और हाँ, अब आप देखोगे तो इंडिया में फेस्टिव सीजन चल रहे हैं और व्हाट्सअप का सबसे बड़ा यूजर बेस इंडिया से है, और ऐसे टाइम में अगर व्हाट्सअप की सर्विसेज इंडिया में डाउन होती हैं तो व्हाट्सअप को एक बड़ा नुकसान जरूर ही हुआ होगा। और हाँ, भगवान अब व्हाट्सअप के IT इंजीनियर्स की रक्षा जरूर करना, क्योंकि उन बेचारों की तो खटिया जरूर ही खड़ी होनी है। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आई, जिससे कि हम लोग उस पर काम कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।